Alhamdulillah, I'm How fine as well. How are you, Rutba? How are you, Miss are M? you? You're fine. Okay, very good. Open your English books, page number 16. तो पहले हम अटेंडेंस करते हैं, कौन कौन क्लास में प्रेजेंट है। बोले बेटा अपना नाम अलोंग विद योर रोल नंबर। शाबाश। आफाक प्रेजेंट है, राइट? Yes, ma'am. और मेहदी प्रेजेंट है? वेयर इज मेहदी? Yes, ma'am. ओके, रुतबा जहरा प्रेजेंट है? मीसेम प्रेजेंट है? Yes, ma'am. ओके तो डियर स्टूडेंट्स, आज हमें इस वाले लेसन के क्वेश्चन आंसर्स करने हैं मिस्टर पाशा, ठीक है? लेकिन मैं आपको यहाँ से कुछ नहीं दिखाऊंगी, मैं आपको यहाँ से सिर्फ समझाऊंगी और पूछूंगी, क्वेश्चन आंसर्स आप खुद करेंगी। क्योंकि इस बार आपको एग्जाम में ऐसा नहीं होगा कि मैम क्वेश्चन आंसर्स दिखाएंगी फिर वही एग्जाम में होगा, ऐसा बिल्कुल इस बार नहीं होगा। आपका एग्जाम होगा जो आपने क्लास में पढ़ा है उसी के हिसाब से, ठीक है? वो क्वेश्चन आंसर्स पहले मैं आपसे ही लूंगी, उसके बाद अगर मुझे दिखाने की जरूरत महसूस हुई देन आई विल शो यू, देन आई विल सेंड पीडीएफ ऑफ दैट लेसन। लेकिन पहले मैं आपसे ही सीखूंगी ताकि आपकी लैंग्वेज जो है वो लैंग्वेज स्किल जो है वो डेवलप हो जाए। सो हमारा पहला क्वेश्चन है, वेयर डिड राज पुट मिस्टर पाशाज हैंडकरचीफ। किसी को ये क्वेश्चन समझ में आया? क्वेश्चन क्या बोल रहा है? वेयर डिड, क्वेश्चन नंबर वन स्टूडेंट्स, आप कोशिश करेंगे कि आपको ये आए, अगर नहीं भी आएगा लेकिन स्टिल आप कोशिश करेंगे, ठीक है? क्वेश्चन आपको पूछ यहाँ पर पूछ रहा है, वेयर डिड राज पुट मिस्टर पाशाज हैंडकरचीफ। आपको कुछ समझ आ रहा है क्वेश्चन क्या पूछ रहा है आपसे? वेयर डिड, वेयर हो गया किधर, वेयर डिड राज, राज ने किधर रखी। पुट किसको बोलते हैं? पुट 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 का मीनिंग क्या है मैंने बताया है ना, जब मैंने पढ़ाया पुट का मीनिंग क्या है? रखना। वेरी गुड। सो वेयर डिड राज पुट मिस्टर पाशाज हैंडकरचीफ, क्या कह रहा है? आ रहा है किसी को समझ में? मिस्टर पाशा की है कि कहाँ रखी। वेरी गुड आफाक हुसैन, आफाक हुसैन के लिए सब जोर से क्लैप्स कीजिए। क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है वेयर डिड का मतलब क्या है, कहाँ रखी। राज ने, राजपुट, राज ने कहाँ रखी मिस्टर पाशा की हैंडकरचीफ। तो कहाँ रखी आपने पढ़ा है ना, आपने पढ़ा है यहाँ से टेबल पे। ये नहीं, हैंडकरचीफ उसने कहाँ पर रखी थी? राज ने मिस्टर पाशा की हैंडकरचीफ कहाँ पर रखी? बॉल के ऊपर। जरा किसी को इंग्लिश में बोलो, आएगा बोलना? कोशिश करो, कोशिश करो। यस मैम। जरा कोशिश करो। चलो मैं थोड़ी सी हिंट यहीं पर दूंगी। राज पुट मिस्टर पाशाज हैंडकरचीफ कहां पर? हाँ, तो क्या आएगा? ऑन द बॉल आएगा या इन द बॉल आएगा? ऑन द बॉल।
वॉल के ऊपर, ठीक है, इन होता है यानी अंदर, ठीक है, लेकिन अंदर मत रखी, वॉल के ऊपर रखी। सो ऐसे ही लिखेंगे आप, ये आपको घर में खुद करने हैं ये क्वेश्चन आंसर्स, आप ये क्वेश्चन आंसर्स खुद करेंगे घर में रफ कॉपी पे, फिर कल तक आप मुझको ये इनबॉक्स सेंड करेंगे, ठीक है, पर्सनली मेरे मैसेज, मेरे फोन पे, मेरे व्हाट्सएप पे आप लोग सेंड करेंगे, अपना नाम और रोल नंबर लिखेंगे उस पे फिर सेंड करेंगे। जो होमवर्क करेगा और जो बच्चे यूट्यूब पे भी ये देख रहे हैं वो भी ये होमवर्क करेंगे जब भी वो देखेंगे और मुझको वो सेंड करेंगे, ठीक है। कल तक मैं वेट कर रही हूँ इस होमवर्क का। जो बच्चा क्लास में आ रहा है या यूट्यूब पे देख रहा है और उसके बाद भी वो होमवर्क नहीं कर रहा है, मैं उनके पेरेंट्स को यहीं से कॉल करूंगी स्कूल से कि वो क्यों नहीं कर रहे हैं। सो आपको सिंपल लिखना है, राज पुट मिस्टर पाशाज हैंडकरचीफ ऑन द बॉल, आएगा लिखना, आएगा, समझ आया रुतबा जहरा? यस मैम। राज पुट यानी राज ने रखी मिस्टर पाशा हैंडकरचीफ, मिस्टर पाशा की हैंडकरचीफ ऑन द बॉल, बॉल के ऊपर। फिर है दूसरा वाला क्वेश्चन, मिस्टर पाशा रिमूव, रिमूव हो गया उठाना, ठीक है, मिस्टर पाशा रिमूव द हैंडकरचीफ, मतलब मिस्टर पाशा रिमूव द हैंडकरचीफ यानी उसने, मिस्टर पाशा ने हैंडकरचीफ जब उठाई, किससे उठाई, बॉल से जब उसने उठाई, व्हाट वाज अंडर द हैंडकरचीफ, हैंडकरचीफ के नीचे क्या था, ऑरेंज, वेरी गुड, जरा इसी को इंग्लिश में बोलो, आएगा बोलना, दिस यानी ये ऑरेंज है, लेकिन हम दिस अभी नहीं देख रहे हैं ना उसको, ये हो रही है माजी की बात, पास्ट की बात। अब कैसे इसको लिखोगे जरा बोलो, शाबाश। शाबाश आएगा, जरा उर्दू में बोलो, अगर आपको मैं एक क्वेश्चन बोलूंगी, जब मिस्टर पाशा ने हैंडकरचीफ उठाई तो वहां पर क्या था हैंडकरचीफ के नीचे, उर्दू में बोलो पूरा सेंटेंस, जब मिस्टर पाशा ने हैंडकरचीफ उठाई वहां पर एक ऑरेंज था, देयर वाज एन ऑरेंज, ये आप लोग खुद लिखेंगे, आपको जैसा आएगा वैसा लिखोगे, ठीक है, लेकिन खुद ट्राई करोगे, अगर गलत भी होगा मैं किसी को जो है मतलब मैं किसी को भी जो है क्रिटिसाइज वगैरह या शेम वगैरह कुछ नहीं करूंगी, अगर आप उल्टा भी लिखोगे तब भी मैं आपको क्लैप्स करूंगी, लेकिन लिखोगे आप, ठीक है, आप ट्राई करोगे, या अगर आपको कहीं पर समझ में नहीं आएगा मैं कल समझाऊंगी, मगर ऐसा कोई बच्चा नहीं होना चाहिए जो होमवर्क नहीं करेगा, आप कोशिश करेंगे, ट्राई करेंगे, खुद लिखेंगे, ठीक है। फिर है, व्हाई डिड द चिल्ड्रन क्लैप, बच्चों ने क्लैप्स क्यों की, असल में यहाँ पर जो पेज दिया गया है ये नीचे यहाँ पर दिखाया गया है कि बच्चे क्लैप कर रहे हैं, तो उन्होंने क्यों क्लैप की, बच्चे क्यों क्लैप करेंगे, ऑब्वियसली जब वो जादू को देखेंगे, जब उन्होंने देखा कि एक बॉल जो है वो चेंज हुई ऑरेंज में, या वो जो मैजिशियन था उसने जो मैजिक किया उस वजह से ये जो बॉल है ये चेंज हुई ऑरेंज में, तो वो सरप्राइज हो गए, खुश हो गए, हैरान हो गए, तो उन्होंने क्लैप्स की। आगे लिखना, मैम कौन सा पेज नंबर निकालना है, पेज नंबर 163। आप इसको सिंपली ये लिख सकते हैं, जब बॉल चेंज हुई ऑरेंज में बाय मैजिक तो बच्चों ने क्लैप्स की। रुतबा आ रही है बात समझ, मीसम, आफाक, मेहदी, फातिमा मुदस्सिर, आ रही है बात समझ क्या लिखना है, फातिमा मुदस्सिर आप लेट आई क्लास में बेटा, ये क्वेश्चन आंसर्स मैं समझा रही हूँ, डिस्कस कर रही हूँ, ये 6 questions है, ये मैं अभी क्लास में समझा रही हूँ, आपको क्या करना है, आपको खुद अपने वर्ड्स में ये क्वेश्चंस के आंसर लिखने हैं, फिर मुझको पर्सनली सेंड करना है, ठीक है, ओके मैम,
जैसा आएगा आप ट्राई करेंगे, कोशिश करेंगे, आप गलत ही लिखो, उल्टा लिखो, कोई मसला नहीं है, लेकिन लिखो। फिर है फिफ्थ वाला, मिस्टर पाशा पिकड अप हिज हैट, सॉरी सॉरी, क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट वाज इन मिस्टर पाशाज हैट। जरा क्वेश्चन का ये मीनिंग बोलो मिसे, व्हाट वाज इन मिस्टर पाशाज हैट, क्वेश्चन क्या बोल रहा है? व्हाट हो गया क्या? मिस्टर पाशा की हैट में क्या था? क्या था मिस्टर पाशा की हैट में, आपको याद है? जब उसने अली को दिखाया, बोला कि मेरी हैट में क्या है, तो उस वक्त क्या था उसमें? कुछ नहीं, वो तो बाद में उसमें निकला, लेकिन पहले क्या था? कुछ नहीं मैम। वेरी गुड, पहले उसमें कुछ नहीं था। कुछ नहीं, कुछ नहीं का मीनिंग मैंने आपको बोला था, कुछ नहीं को क्या बोलते हैं इंग्लिश में? नथिंग। मैंने आपको वेरी गुड, तो आएगा लिखना, आएगा लिखना, मिस्टर पाशा की हैट में कुछ नहीं था। जरा कोशिश करो क्या बोलोगे, अगर मैं आपसे पूछूंगी व्हाट वाज इन मिस्टर पाशाज हैट, आप क्या बोलोगे? शाबाश, देयर वाज, शाबाश, देयर आएगा वहां, देयर वाज नथिंग इन मिस्टर पाशाज हैट, देयर वाज नथिंग इन द मिस्टर पाशाज हैट। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 5, मिस्टर पाशा पिकड अप हिज हैट फ्रॉम द टेबल, व्हाट वॉकड आउट ऑफ इट। मिस्टर पाशा ने पिकड अप, क्या हो गया, मैंने बताया है ना पिक का मीनिंग क्या होता है, पिक का मीनिंग क्या होता है, उठाना। वेरी गुड, जब मिस्टर पाशा ने अपनी हैट उठाई टेबल से, व्हाट वॉकड आउट ऑफ इट, उससे क्या चल कर निकला? शाबाश, नहीं, मिस्टर पाशा ने जब हैट टेबल से उठाई, जब मिस्टर पाशा ने टेबल से हैट उठाई ना, वहां से क्या निकला? आई पिक अप माई हैट, समथिंग अंडर इट, हैन। वेरी गुड, वहां पर एक मोटी मुर्गी निकली, एक अच्छी मोटी ताजा मुर्गी निकली, ठीक है। फिर क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट वाज ऑन द डक्स हेड, ये तो आपको आना चाहिए, जरा बोलो व्हाट वाज ऑन द डक्स हेड, इसका मीनिंग क्या है? शाबा, व्हाट हो गया क्या, वाज ऑन द डक्स हेड, क्या है इस क्वेश्चन का मीनिंग? रुतबा आपको आएगा बोलना, आफाक आपको आएगा, मेहंदी आपको आएगा बोलना, फातिमा आपको आएगा बोलना, व्हाट वाज ऑन द डक्स हेड। शाबाश, जरा आप कोशिश करो, आप बोलो, डक के सिर पे क्या था? वेरी गुड आफाक, वेरी गुड, व्हाट वाज ऑन द डक्स हेड, ये जो डक था इसके हेड पर क्या था, क्या था उसके हेड पर? हैट, हैट, और वो हैट किसकी थी? मिस्टर पाशा, आएगा लिखना इंग्लिश में, मिस्टर पाशाज हैट, फिर क्या आएगा, फिर क्वेश्चन में ही मिस्टर पाशाज ऑन द डक्स हैट, ऐसे आपको सेंटेंस बना जो है आंसर्स लिखने हैं, सिर्फ ये 6 क्वेश्चंस के आपको आंसर लिखने हैं रफ कॉपी पे, ठीक है। अब हम नीचे वाले क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे, सिर्फ आपको डिस्कस करने हैं। सो क्वेश्चन नंबर 1 है, मिस्टर पाशा ब्लूज एंड ब्लूज, व्हाट हैपेंड देम, ब्लूज का मीनिंग क्या होता है? फूंकना, तो मिस्टर पाशा ने जो वो फूंक रहा था, वहां पर क्या उठा उसकी वजह से? जब मिस्टर पाशा ब्लू कर रहे थे ना, व्हेन ही यूज्ड टू ब्लू, हाँ
तो वहां पर क्या उस वजह से क्या हुआ व्हेन मिस्टर पाशा, ये है ना मिस्टर पाशा ब्लूज एंड ब्लूज, देयर इज अ क्लाउड ऑफ स्मोक, वहां पर क्या उठा, डार्क निकला। हाँ जी, एक क्लाउड निकला, स्मोक का क्लाउड निकला, धुआं जैसा पैदा हो गया। ओके, क्वेश्चन नंबर टू, वाज द बर्ड ऑन द टेबल अ डक और मिस्टर पाशा। अच्छा एक बात बोलो, वो जो टेबल पे फिर बाद में डक निकला, ठीक है, क्या वो डक था या वो मिस्टर पाशा था? मिस्टर पाशा। हाउ डू यू नो, आपको कैसे पता है, गिव टू रीजन, आप कैसे बता सकते हो कि वो मिस्टर पाशा था, हाउ डू यू नो, जरा बोलो। डक ने मिस्टर पाशा की, हाँ आपको कैसे लगता है वो डक जो था वो मिस्टर पाशा था? क्योंकि उसने क्या लगाई थी, मिस्टर पाशा की हैट। और दूसरा रीजन बोलो इसका कोई, एक रीजन हो गया आपने बोला कि वो जो है वो मिस्टर पाशा था क्योंकि उसने मिस्टर पाशा की हेड लगाई थी उस डक ने, दूसरा रीजन कोई बोलो आपको कैसे लगता है वो मिस्टर पाशा था, क्योंकि वो लास्ट में मदद मांग रहा था ना, मिस्टर पाशा था क्योंकि वो मिस्टर पाशा था। हाँ लेकिन आप कैसे बता सकते हो वो मिस्टर पाशा था, एक रीजन आपने दिया कि मैम उसके सर पे मिस्टर पाशा की हेड थी, वेरी गुड, दूसरा रीजन है क्योंकि वो लास्ट में बोल रहा था ना हेल्प मी आई वांट टू बी अ मैन अगेन, वो कह रहा था ना मेरी हेल्प करो मेरी मदद करो ताकि मैं फिर से इंसान बन जाऊं, तो इससे भी हमें पता चलता है वो डक जो था वो मिस्टर पाशा था। अब है थ्री वाला क्वेश्चन, व्हाट डिड मिस्टर पाशा कॉल आउट, डज दिस शो दैट, जब मिस्टर पाशा ने कहा ना मेरी मदद करो, ठीक है, आई वॉन्ट टू बी अ मैन अगेन, मैं वापस इंसान बनना चाहता हूँ, उससे क्या पता चलता है, वॉज फ्राइटेनेड, फ्राइटेंड हो गया, डरा हुआ, यहाँ पर ऑप्शंस देकर है आपको सही ऑप्शन पे टिक लगानी है, वो क्या शो कर रहा है, वो जो सेंटेंस था उससे क्या पता चल रहा है, दैट ही वॉज फ्राइटेनेड मतलब वो डरा हुआ था, या ही वॉज नर्वस, हाँ, या डिड नॉट नो वॉट टू डू, उसको समझ में नहीं आ रहा था मैं अब क्या करूं, क्या लगता है आपको? वेरी गुड, उसको समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं, दैट्स व्हाई हमसे वो मदद मांग रहा था ना, इन बच्चों से वो मदद मांग रहा था मेरी हेल्प करो ताकि मैं इंसान वापस बन जाऊं, तो आप ये सी वाले ऑप्शन पे टिक का निशान लगाएंगे, ठीक है। ये क्वेश्चंस आएंगे आप करना, अगर आप आज की क्लास का वीडियो भी देखेंगे दो तीन क्वेश्चंस का आंसर आपको ऐसे ही मिल जाएगा, क्योंकि मैंने कुछ क्वेश्चंस का आंसर यही से इंग्लिश में बोला ताकि आपको समझ आए कि कैसे आपको आंसर लिखना है, ठीक है, कल मुझे कोई नहीं बोलेगा मैम हमने एक आम नहीं किया है वगैरह वगैरह, कल मैं जरूर होमवर्क चेक करूंगी, आज के लिए इतना काफी है डियर स्टूडेंट्स, अगर कोई आपको क्वेरी है कोई क्वेश्चन है अभी या कुछ भी समझाना हो वापस से आप मुझे भी बता सकते हैं, एनी क्वेरीज, एनी क्वेरीज, होमवर्क करेंगे आप सब? यस मैम। ओके, जिस टाइम आप होमवर्क करेंगे उसी टाइम आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पे वो काम सेंड करेंगे और अपना नाम और रोल नंबर उस वाले पेज पे आप मेंशन करेंगे, ठीक है, ये आपको रफ कॉपी पे लिखना है, फेयर कॉपी पे अभी नहीं लिखना, जिसको जिसने खुद ट्राई की होगी खुद कोशिश की होगी मैं उसको स्टार्स दूंगी, ठीक है, अल्लाह हाफिज डियर स्टूडेंट्स।
टेक केयर।